प्रीवियस वीडियो में अपन ने किडनी की स्ट्रक्चर देखी थी, आज अपन नेफ्रॉन्स के बारे में देखने से पहले चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहले अपन ने वेरी शॉर्ट आंसर के आंसर नंबर 37 तक कर लिया था, नेक्स्ट देखिए वेरी शॉर्ट आंसर का 38, क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर 37 पर क्या है क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेनेगर, आपको बताना है वेनेगर का फंक्शन क्या है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है दे कैरी द ब्लड फिल्टर बाय द किडनी, ये किडनी के द्वारा फिल्टर ब्लड है उसको ले जाने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया पाल, अपन ने पढ़ा था ना एक्सक्रीशन के बेस पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो ऐसे एनिमल जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एमिनोलैटिज्म। ठीक है, तो 39 वाले में आपको क्या लिखना है, एमिनोलैटिज्म। नेक्स्ट है कि 40 वाला, व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, किडनी। तो 40 वाले में आपको आंसर फिल करना है किडनी। नेक्स्ट है कि 41, राइट द नेम ऑफ ऑर्गन दैट फॉर्म्स ओवम, ऐसे ऑर्गन का नेम बताना है जो ओवम बनाता है। ठीक है, तो 41 पे आएगा आपके ओवेरीज। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 42, राइट द मेन सेक्स हार्मोन ऑफ फीमेल, आपको फीमेल का मेन सेक्स हार्मोन का नेम बताना है, तो 42 में आंसर आएगा एस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है कि 43, वेयर इज द प्लेसेंटा इम्प्लांटेड इन मदर, ये आपको बताना है कि जो प्लेसेंटा है वो मदर में कहाँ इम्प्लांट होता है, तो इसमें आंसर आएगा यूट्रस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, राइट द नेम ऑफ सिस्टम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन, आपको उन सिस्टम का नेम बताना है जो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है डिफरेंट ऑर्गन में। तो 44 वाले में आपको आंसर फील करना है द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 45, वेयर इज द ग्रे मैटर फाउंड, तो ग्रे मैटर कहां फाउंड होता है, ब्रेन के अंदर। 45 में आपको ब्रेन फील करना है। नेक्स्ट है कि 46, ये वाला क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, आपको न्यूरोट्रांसमीटर का नेम बताना है और ये आपको आपकी बुक से रीड करना है और फिर नेम आपको सेल्फ बताना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी, लेकिन वन टाइम आपको सेल्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए आपको चैप्टर की क्या लगानी है, रीडिंग लगानी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरोक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48, विच ग्लैंड सेक्रेट एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन को कौन सी ग्लैंड सेक्रेट करती है, तो इसमें आएगा एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने वेरी शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन नंबर 37 तक कर लिया था, आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 48 तक कंप्लीट कर लिया है। तो ये अपने चैप्टर 2 के वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गए हैं, ये वर्क आपको अच्छे से आपका प्रैक्टिकल में करना है, साथ में इनको लर्न भी करना है। तो अपने टिक द करेक्ट और वेरी शॉर्ट आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में देखिए आप शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 49 और 50 मैंने पहले आपको करवा दिया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, क्या है क्वेश्चन नंबर 51, वेयर इज द सेलिवरी ग्लैंड फाउंड, आपको बताना है कि जो सेलिवरी ग्लैंड है, सेलिवरी ग्लैंड क्या होती है, जो सलाइवा सेक्रेट करती है, और सलाइवा का मतलब आप जानते हो ना लार, जो कि भोजन को क्या बनाती है, खाने को लसलसी सा चिपचिपा बना लेती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये सेलिवरी ग्लैंड होती कहाँ पर है, कहाँ मिलती है, तो क्या लिखेंगे आप आंसर, सेलिवरी ग्लैंड आर फाउंड इन अराउंड माउथ एंड थ्रोट। ठीक है, ये माउथ में और थ्रोट का मतलब गले के यहाँ पर मिलती है। इसके बाद में आगे बोल रहा है एक्सप्लेन इस स्ट्रक्चर, आपको सेलिवरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर बतानी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो शॉर्ट आंसर का 51 है उसमें पहले क्या लिखना है, सेलिवरी ग्लैंड आर फाउंड इन अराउंड माउथ एंड थ्रोट। उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर मतलब इसका फिगर आपकी साइंस
एयर किसके लिए प्रोवाइड करता है, ये रेस्पिरेशन के लिए, सेंस ऑफ स्मेल, और क्या देता है, स्मेल की सेंसेशन देता है ना कि अच्छी खुशबू है या गंदी खुशबू है। उसके बाद में कंडीशन द एयर बाय फिल्टरिंग, और इसको ये रेस्पायर करता है कि जो एयर है वो कैसी है, फिल्टरेड। आपने देखा था ना अपने नोज के यहाँ पर डस्ट का एक पेयर होता है जिनमें फाइन हेयर्स होते हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं, जो अपन ब्रीथिंग में गैसेज ले रहे हैं ना उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल वगैरह आए हैं उनको ये यहीं पर ही रोक लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। तो आपको नोज के फंक्शन में क्या लिखना है, नोज इज अ कॉम्बिनेटेड स्ट्रक्चर बिटवीन द आईज, दिस प्रोवाइड एयर फॉर रेस्पिरेशन, सेंस ऑफ स्मेल, कंडीशन द एयर बाय फिल्टरिंग, वार्मिंग एक्सेट्रा। ये अपने वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गए हैं, और शॉर्ट के क्वेश्चन नंबर 51-52 हो गए, मतलब शॉर्ट आंसर की अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए, 49, 50, 51 और 52। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब अपन पहले कुछ शॉर्ट आंसर करेंगे, उसके बाद में अपन आगे रीडिंग करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर आपके प्रैक्टिकल में करते जाना है, साथ में इनको लर्न भी करना है।